हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। और ये है आर्थिक लॉजिस्टिक का पार्ट 3 वीडियो। और इस वीडियो में मैं तीनों पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आर्थिक लॉजिस्टिक इस पार्ट 3 जो वीडियो मैं बना रहा हूं, यहां पे मैं तीनों पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर वन, यहां पे मैं फर्स्ट नंबर वन कुरियर रिकमेंडेशन, नंबर टू पिन कोड सर्विस अवेलेबिलिटी, और नंबर थ्री रेट कैलकुलेटर। तो ये तीनों पॉइंट्स में डिटेल में यहां पे कवर करूंगा। इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और इससे पहले मैंने दो पार्ट्स मैंने इसके ऊपर बनाया था, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अभी तक वो पार्ट्स अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। और एक मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है आई थिंक लॉजिक के ऊपर, वो प्लेलिस्ट भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए डिटेल स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि जो तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पैनल में मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो तीनों पॉइंट्स आपको बारे में बताया आपको कि आई थिंक लॉजिस्टिक पे जो तीनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब और भी जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर जो शिपमेंट के टाइम आपको ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले जो नंबर वन पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि कुरियर रिकमेंडेशन, तो आपको पहले आपको लॉगिन करना है आई थिंक लॉजिस्टिक के पैनल पे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थ्री लाइंस में यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा रिकमेंडेशन इंजन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस आ जाएगा और आपको आपका जो कुरियर सर्विस है, कौन सा कुरियर सर्विस क्या परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, टाइमिंग के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिया हुआ है, जो कुरियर प्रायोरिटी के ऊपर चारों फिल्टर दिया हुआ है, जैसे कि बेस्ट रेट, चीपेस्ट, फास्टेस्ट और कस्टम। तो सबसे पहले बेस्ट रेट टेस्ट के बारे में बताते हैं। जो कुरियर सर्विस सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, तो वो आपको यहाँ पे बेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे कुरियर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप बेस्ट रेट जब कुरियर सर्विस आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको वो बेस्ट रेटेड जो कुरियर है वो यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि ये मेरा डेमो पैनल है तो यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। जब आप लॉगिन करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट होगा, तो आपको आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा चीपेस्ट चाहिए, मतलब कुरियर सर्विस जो है जो उसका प्राइसिंग होगा थोड़ा चीपेस्ट होगा, तो आपको चीपेस्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे फिल्टर पे आके चीपेस्ट को क्लिक करना है। तो चीपेस्ट सर्विसेज कुरियर है तो आपको यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। और उसके बाद फास्टेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि कोई जो कुरियर सबसे फास्ट डिलीवर करते हैं, मतलब एक या दो दिन में डिलीवर कर देता है, वो कुरियर सर्विस आप देखना चाहते हैं, तो आपको फास्टेस्ट पर क्लिक करना है। तो फास्टेस्ट जो कुरियर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे और एक ऑप्शन है, वो है कस्टम, मतलब आप कस्टम करके देख सकते हैं कि आप अर्लीस्ट डिलीवरी कौन सा कुरियर कितना जल्दी डिलीवरी करता है। अगर आपका 2 डेज में चाहिए तो आप चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस बीज और फेडेक्स 2 डेज के अंदर डिलीवरी करता है। अगर पिकअप के हिसाब से आपको चेक करना है कि सेम डे पिकअप कौन कौन सा कुरियर करते हैं, तो आप यहाँ पे जब टिक मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस बीज का जो है वो सेम डे पिकअप करता है यहाँ पे, और प्रोडक्ट बल्क प्रोडक्ट पिकअप कौन कौन सा कुरियर करता है, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिलीवरी एक्सप्रेस बीज जो है वो बल्क पिकअप करता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिलीवरी रिलेटेड अगर कोई है लॉस्ट आइटम रिक्लेयर्ड, ऐसा कुछ जो भी आप फिल्टर के हिसाब से कस्टम करके आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं, कौन सा कुरियर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका रेटिंग क्या है, वो सब यहाँ से आप कस्टम करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कुरियर का रिकमेंडेशन है, कुरियर जो सर्च करके आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका जो पिन नंबर विजिबिलिटी और सर्विस एबिलिटी रहता है कि कौन सा पिन में डिलीवर करेगा, वो आप पहले से चेक कर सकते हैं, आपका कस्टमर ने ऑर्डर किया है। अगर आपका वॉइस इंटीग्रेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका आपका फेसबुक या व्हाट्सएप पे सेल करते हो और आप उस पिन कोड पर देखना चाहते हो कि प्रोडक्ट डिलीवरी होता है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे जाके आपको पिन कोड सर्विस एबिलिटी पर क्लिक करना है। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पिन कोड आपको देना होगा, आपका खुद का पिन कोड देना होगा, और आपका जिस पिन कोड पर आप चेक करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मेरा दो पिन कोड देके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा जो पिन कोड है वो डाल देता हूँ यहाँ पे, तो और यहाँ पे मैं और एक पिन कोड डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, देखिए वहाँ पर कौन कौन सा जो कुरियर्स है, तो
वो वहाँ पे डिलीवरी करता है उस लोकेशन पे जो पिन कोड मैंने डाला है। तो यहाँ पे देखिए प्रीपेड जो एक्सप्रेस ब्रीज है, फेडेक्स है, डिलीवरी है, ई कॉम है, ई कार्ड, ब्लू डार्ट और शेडोफेक्स, ये जो कुरियर सर्विस है उस लोकेशन पे प्रोडक्ट डिलीवरी करता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट वहाँ पे रिटर्न लेना चाहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अब डिलीवरी करना चाहते हैं उसका अंदर वो जो कुरियर सर्विस है वो देता है कि नहीं, मतलब पी पे डिलीवरी देता है कि नहीं, सी ओ डी डिलीवरी देता है कि नहीं, पिकअप देता है कि नहीं, ये आप सब चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक्सप्रेस बीस उस पिन कोड पे पी पे डिलीवरी देता है, कैश ऑन डिलीवरी देता है, रिवर्स पिकअप भी सर्विस देता है। फेडेक्स की अगर बात करें तो फेडेक्स प्रीपेड डिलीवरी देता है, सी ओ डी वहाँ पे नहीं डिलीवरी करता है, आपको रिवर्स पिकअप का सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है। अगर डिलीवरी की बात करें सभी यहाँ पे अवेलेबल है, ई कॉम की बात करें सभी यहाँ पे अवेलेबल है, ई कार्ड की बात करें तो सिर्फ डिलीवरी है, पिकअप नहीं है। ब्लू डॉट की बात करें तो प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी दोनों अवेलेबल है, रिवर्स पिकअप पिकअप नहीं अवेलेबल है, शेडोफेक्स कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब शेडोफेक्स अगर आपको ये लग सकता है कि पिन कोड में शेडोफेक्स का डिलीवरी नहीं है तो शो क्यों कर रहा है, मतलब हो सकता है उस लोकेशन पे उस पिन कोड पे डिलीवरी सर्विस नहीं है बट अलग आसपास का जो पिन कोड है वहाँ पर अवेलेबल है, इस वजह से वो शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन से पिन कोड में कोई प्रोडक्ट भेजने से पहले आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप भेज रहे हो, बाय चांस वो प्रोडक्ट रिटर्न होगा तो आपको वो रिवर्स पिकअप वो सर्विस कुरियर सर्विस देगा कि नहीं। तो अगर आप डिलीवरी से भेज रहे हो तो डिलीवरी वो भी सर्विस देता है तो आप डिलीवरी से भेज सकते हो, अगर आप ई कॉम से तो ई कॉम से भेज सकते हो। तो आप यहाँ से डिटेल चेक कर पाओगे कि कौन सा कुरियर उस पिन कोड पे क्या क्या सर्विस दे रहा है और प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो तो आपके पास वो कैसे आप वो कुरियर सर्विस आपको लेकर आपके पास देगा कि नहीं। तो ये पैनल में जाके आप कोई भी कुरियर सर्विस कौन से पिन कोड में क्या क्या अवेलेबल है सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे मैं बात करूँगा वो मैंने आपको तीनों पॉइंट्स के बारे में बताया था और लास्ट जो पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो है रेट, मतलब रेट कैलकुलेटर का, कुरियर की चार्जेस के लेकर कितना कुरियर चार्जेस आपको देना है उस प्रोडक्ट को शिपमेंट करने के लिए। तो टाइप में यहाँ पे फॉरवर्ड, तो आपको यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लिस्ट में जाके रेट कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड ये यहाँ पे रखना है क्योंकि आपको रिवर्स नहीं लेना है, आपको अब शिपमेंट को क्रिएट करना है। तो पहले आप यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे कि कैसे आपको उस प्रोडक्ट को उस कुरियर तक डिलीवर करेंगे तो आपको कितना चार्जेस आपको देना होगा। तो आप यहाँ पे आप पेमेंट टाइप आप सी ओ डी रखिए, एंटर पिन कोड में वो सेम पिन कोड जो मैंने यहाँ पे डाला था वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो और डिलीवरी पिन कोड मैं वही सेम डाल रहा हूँ यहाँ पे, और प्रोडक्ट का लेंथ मैं 555 कर दे रहा हूँ, वेट मैं यहाँ पे 0.5 दे रहा हूँ, मतलब 500 ग्राम्स में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और MRP मैं 999 कर दे रहा हूँ। तो सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना चार्जेस मेरे को यहाँ पे शो करता है। अगर फेडेक्स पे मैं प्रोडक्ट शिपमेंट करूँगा तो आपको 129 आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं कि सेम डे पिकअप है कि नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फेडेक्स ग्राउंड पे आप भेजेंगे तो आपको 171 देना होगा, एक्सप्रेस बीस में 89, ई कार्ट में 92। तो आप यहाँ पे कौन कौन सा कुरियर में क्या क्या कितना कितना कुरियर चार्ज आपको देना होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उस वेट के हिसाब से तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये भी चेक कर सकते हैं कि सी ओ डी अवेलेबल है कि नहीं या आपका वहाँ पे कितने देर में डिलीवर हो जाएगा तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर देना मतलब देके आप सेंड करेंगे मतलब प्रोडक्ट को भेजेंगे तो चलिए अगर प्रीपेड को भी चेक कर लेते हैं। देखिए जब भी मैंने प्रीपेड डाला यहाँ पे तो और भी यहाँ पे डिटेल्स चेंजेस हो गया, फिडेक्स का हो गया 76, एक्सप्रेस बीस का हो गया 44, ई कार्ड का 47। तो प्रीपेड और सी ओ डी में थोड़ा प्राइस का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि कुरियर सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुरियर प्रीपेड होगा तो कितना चार्जेस लेगा, अगर सी ओ डी होगा तो कितना चार्जेस होगा। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, अगर आपका कस्टमर सी ओ डी चाहते हैं तो आपको सी ओ डी से भेजना है, अगर आपको प्रीपेड चाहते हैं तो आप प्रीपेड भी आप भेज सकते हैं। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि किस टाइप का प्रोडक्ट आप भेजेंगे, कितना वेट का है, किस हिसाब से आपको सेंड करना है। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट्स के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है आई थिंक लॉजिस्टिक का। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर फॉलो कीजिए। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा नहीं है तो लाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए, वहाँ पर भी अगले वीडियोज का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आर्थिक लॉजिस्टिक के ऊपर तीनों पॉइंट्स को लेकर मैं डिटेल में आपको बताया है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर हो गया है क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और भी बहुत सारा पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट भी है। तो ये तीनों पॉइंट उसके अंदर और एक तीनों पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है
तो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए था, उम्मीद करता हूं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आर्थिंग लॉजिस्टिक के साथ अपना प्रोडक्ट को शिपमेंट करने का, प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर्ड करने का, तो जाके डिस्कॉम चेक कीजिए, वहां पे लिंक दिया है हमारा, वो लिंक के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन उस लिंक से करेंगे और आप हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट वाले रिचार्ज पे 200 रुपीज आपको अमाउंट मिलेगा। तो जल्दी जल्दी जाके आप हमारे लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, और अभी भी आप हमारे चैनल में नए हैं तो भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, कोई वीडियोस आप हमारे चैनल की मिस ना करें, और आप हमारे चैनल सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।